चलो देखो, इसी टाइप का हिसाब पिछले पाठ में पढ़े हो। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में किसका एक हल, किसका एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल का मतलब एक और केवल एक हल, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में वेरिएबल एक्स और वाई का एक एक मान प्राप्त होना एक और केवल एक हल कहलाता है। दूसरा कारण, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। समझा? तो सबसे पहले तो किसका हल अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है इन समीकरणों में से, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। कह रहा है अगर अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी जिसका अद्वितीय हल है, यानी जिस समीकरण का समीकरण युग्म का हल प्राप्त होगा, तो वो हल प्राप्त करने के लिए वज्र गुणन विधि अपनाना है। तो सबसे पहले तो किसका हल प्राप्त होगा इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो गुणांकों के संबंध से प्राप्त होगी ना। तो पहला देखो, पहला इक्वेशन दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू बराबर जीरो, समीकरण एक, समीकरण दो। तो इस समीकरण युग्म में ये कौन सा समीकरण युग्म है, ये कैसा कैसे पता चलेगा, गुणांकों के बीच क्या संबंध है? तो समीकरण एक का व्यापक रूप, एक हो गया तुमको एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, इसको लिखना है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो के रूप में। तो इसको एक्स है ए वन के जगह कुछ नहीं है, एक है तो वन एक्स, फिर प्लस लिखना है यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस में कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस तीन वाई को अलग कर ले वेरिएबल को। तो देखो ए वन एक्स एक्स प्लस प्लस बी वन के जगह माइनस तीन वाई के जगह वाई आ रहा है ना व्यापक रूप में, फिर है प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब प्लस कॉमन लो माइनस में माइनस, प्लस माइनस माइनस और तीन है तीन बराबर जीरो। समझे? तो ए वन बराबर वन है जी, एक्स के पहले गुणांक एक, एक्स के पहले ए वन, इसीलिए ए वन बराबर एक, वन प्लस के जगह प्लस वाई के जगह वाई, तो बी वन के जगह देखो माइनस तीन, बी वन बराबर माइनस तीन, प्लस के जगह प्लस सी वन के जगह माइनस तीन, तो सी वन बराबर माइनस तीन। समीकरण एक से यह बात निकली। अब देखो समीकरण दो का व्यापक रूप, दो में है थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू बराबर जीरो, व्यापक रूप होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। एक्स के पहले तीन है, एक्स पहले ए टू है, तो ए टू का बराबर तीन हुआ, तो इसको पहले इस रूप में लो, तो थ्री एक्स प्लस यहाँ माइनस है प्लस लाना है, तो माइनस में प्लस कॉमन लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस लो पोस्ट वाई होगा, फिर प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस कॉमन लो माइनस में, तो प्लस प्लस माइनस माइनस दो बराबर जीरो। अब देखो ए टू के जगह तीन है, एक्स का गुणांक ए टू, एक्स का गुणांक तीन, यानी ए टू बराबर तीन हुआ, ए टू बराबर तीन।
प्लस के जगह प्लस, वाई का गुणांक बी टू, वाई का गुणांक माइनस नाइन, तो बी टू बराबर माइनस नाइन है, प्लस के जगह प्लस, सी टू के जगह माइनस नाइन, माइनस टू निकल गया। तो ए वन बराबर वन, बी वन बराबर और सी वन बराबर माइनस तीन, ए टू बराबर तीन, सी टू बराबर माइनस नौ, सी टू बराबर माइनस दो। तो क्या संबंध है, कहता है कि चार को दिया है, इसमें से किसका अद्वितीय हल है, किसका नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हम लोग संबंध निकालें। पहला प्रॉब्लम में अब ए वन बटा ए टू बराबर ए वन का मान एक, ए टू का मान तीन होगा ना। अब निकालो बी वन बटा बी टू, बी वन हो गया माइनस तीन, बी टू हो गया माइनस नौ, माइनस माइनस कट किया तीन एक तीन, तीन किया नौ, एक बटा तीन हो गया बी वन बटा बी टू, बी वन बटा टू टू, बी वन कितना है माइनस तीन, बी टू माइनस दो, माइनस माइनस कट किया तीन बटा दो, समझा। तो इसका अर्थ ये हुआ, हम लोग को प्राप्त क्या हुआ है, हम लोग को ए वन बटा ए टू बराबर एक बटा तीन, बी वन बटा बी टू कितना है एक बटा तीन एवं सी वन बटा सी टू बराबर तीन बटा तीन। अब संबंध के बारे में सोचो, ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होता है बी वन बटा बी टू के, तब अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है, होता है ना, और सॉरी एक और केवल एक हल प्राप्त होता है। अगर ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, तो समीकरण का एक और केवल एक हल प्राप्त होता है और ऐसा समीकरण संगत समीकरण युग्म होता है। क्या इसमें ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू है, तो ए वन बटा ए टू हो गया तुमको एक बटा तीन है ना, और बी वन बटा बी टू एक बटा तीन, तो एक बटा तीन बराबर एक बटा तीन हो गया, यानी ए वन बटा ए टू ये हो गया ए वन बटा ए टू हुआ ना, ए वन बटा ए टू बराबर एक बटा तीन बी वन बटा बी टू, ये तो ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू होता है संगत समीकरण युग में, लेकिन यहाँ बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ, और संगत मतलब संगत समीकरण युग्म नहीं है, इसका निष्कर्ष ये निकला। इसके बाद जो युग्म हो, अगर संगत समीकरण युग्म रहता ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू होता, लेकिन दोनों बराबर हो गया, तो इसका अर्थ है कम से कम संगत समीकरण युग्म नहीं है, तब क्या है, या तो असंगत है या आश्रित है। तो असंगत में क्या होता है, असंगत में होता है ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, ये होता है, ये हो गया तुमको असंगत का है ना। और संगत में होता है ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, ये हो गया तुमको संगत का। आश्रित का ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, ये हो गया आश्रित समीकरण युग्म का। कौन इसको समझा तू लोग, तीनों का जो ये शर्त होता है
तो पहला शर्त संगत समीकरण युग में ए वन बटा ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू, पता है ना। तो हम लोग ए वन बटा ए टू भी निकाले हैं, बी वन बटा बी टू निकाले हैं, सी वन बटा सी टू निकाले हैं। देखो संगत समीकरण युग में ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू नहीं होना चाहिए, यहाँ है तो संगत समीकरण युग ये नहीं है, नहीं ना है, यानी इसका अद्वितीय हल नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद देखो दूसरा शर्त पालन करता है असंगतता, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू है, ए वन बटा ए टू का मान एक बटा तीन, बी वन बटा बी टू का मान एक बटा तीन, तो ये ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू है बराबर सी वन बटा सी टू नहीं होगा, तब असंगत समीकरण युग्म होगा जिसके एक भी हल नहीं प्राप्त होते हैं। तो C1 बटा C2 का मान 3 बटा 2 है, तो बराबर C1 बटा C2 है वास्तव में बराबर 2, C1 बटा C2 3 बटा 2, 3 बटा 2 है, इसमें ध्यान दो तो 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 तो है, 1 बटा 3 और 3 बटा 2 बराबर तो नहीं है, तो काटेंगे यानी बराबर नहीं है। ए वन बटा ए टू एक बटा तीन बराबर बी वन बटा बी टू एक बटा तीन, ये बराबर ये, लेकिन एक बटा तीन बराबर तीन बटा दो नहीं है, तो ये नहीं है, ये शर्त का पालन कर रहा है, ये शर्त का पालन ये असंगत समीकरण में होता है, इसका मतलब ये तुमको असंगत समीकरण युग्म है जिसका एक भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे तरीका समझ रहा है ना, सब में ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू सी वन बटा सी टू निकाल करके ये संबंध याद रखो तब पता चलता जाएगा, सब बन जाएगा जी। ब्रज गुणन विधि का फार्मूला आना चाहिए, बतला दिए है ना, साबित करके बतलाए हैं पीछे वाला पार्ट में, तुम लोग को इतना पढ़ा दिया गया है जो इसमें इस चैप्टर में जो बच रहा है दो ठो कहीं कहीं हेल्प चाहिए अगर थ्योरी का रिवीजन करोगे तो। वैसे इसमें से हम एक ठो और बतला देते हैं, कौन सा बतला भी तुम ही लोग ध्यान दो, चार में एक बतला दिए, बचा हुआ तीन में देखो, तीन दूनी छ, पाँच दूनी दस, बीस दूनी चालीस, इसमें ए वन बटा ए टू तीन बटा छ कट करके एक बटा दू पाँच बटा दस, बी वन बटा बी टू एक बटा दू, सी वन बटा सी टू एक बटा दू, तो ये तो हो गया ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू आश्रित समीकरण युग्म, ये देखिए करके लग रहा है, समझ रहे हो, इसमें ध्यान दो। देखो ये सब लिख नहीं भी लिखोगे ना तो तुरंत तुरंत कैसे निकालोगे ये समझ लो, जैसे मान लो हम यही लिखते हैं चौथा x माइनस तीन वाई माइनस सात बराबर जीरो पहला समीकरण, दूसरा हो गया थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस पंद्रह बराबर जीरो, ये दूसरा समीकरण। जैसे पता लगाना है तो खाली संबंध याद रखो, जो संगत समीकरण युग्म में संगत में होता है ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होता है बी वन बटा बी टू के, और संगत में आ जाओ इसमें ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू तो होता है लेकिन नहीं होता है सी वन बटा सी टू के, फिर आश्रित में आ जाओ आश्रित समीकरण युग में ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू होता है। तो इसी में देखो ए वन एक है, ए टू ए वन बी वन सी वन के रूप में लिखेंगे जी, तो डायरेक्ट बनाना चाहोगे व्यापक रूप में नहीं लाओगे तो ए वन का मान एक है, दूसरे समीकरण में ए टू का तीन है ना, ये हो गया ए वन बटा ए टू,
फिर निकालो माइनस बी वन बटा बी टू माइनस वाई के पहले माइनस तीन है तो तीन सहित बी वन बी टू कट करके हो गया एक बटा एक बी वन बटा बी टू एक बटा एक सी वन बटा सी टू तो माइनस सात तीन सहित लिखो माइनस पंद्रह माइनस माइनस कट गया यानी सात बटा पंद्रह होगा। इसमें अब ध्यान दो तो ए वन बटा ए टू ए वन बटा ए टू बराबर एक बटा तीन बी वन बटा बी टू बराबर एक बटा एक सी वन बटा सी टू बराबर सात बटा पंद्रह। अब तालमेल मिलाओ तो यहाँ ए वन बटा ए टू एक बटा तीन है बी वन बटा बी टू एक बटा एक है इसका मतलब ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू के नहीं ना है तो ए वन बटा यानी ए वन बटा ए टू एक बटा तीन अब बी वन बटा बी टू बराबर एक बटा एक यानी ये हुआ ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू के ये तो संगत समीकरण युग्म हो गया और इसका चौथा का हल निकलेगा एक हल निकलेगा। अब निकलेगा तो वज्र गुणन विधि से निकालो इसमें हिसाब में है तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लिखा दिए हैं इसको सेट करके इसको बना सकते हो ना नहीं ये चलो वज्र गुणन विधि का बोलो एक्स बराबर फार्मूला पर सेट कर दोगे बन जाएगा बना करके लाना देखना नहीं बनेगा तो बतला देंगे आराम से बनेगा। अब फार्मूला नहीं याद है तो अपने से उत्पन्न कर लो सब कुछ बतला दिए हैं इस तरह ये चारों हिसाब बन जाएगा। अगले पार्ट में अब लंबा हिसाब पंचना मरिया बच रहा है इसको बतला देंगे।